इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी मौजूद हैं, श्वेता चौहान जी। क्या इन्वेस्टिगेशन अब चल रही है और क्या एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की? जो कल का जामा मस्जिद के बाहर जो प्रदर्शन का मामला हुआ है, उसमें हम लोगों ने अभी तो 188 में ही एफआईआर दर्ज की है। उसमें हम लोग ने जो इलीगल असेंबली वहां पे की है, बिना परमिशन के जो प्रदर्शन किया है उसमें किया है। लेकिन अभी हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, सभी फुटेजेस को हम देख रहे हैं और हर एंगल पे हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए इसमें क्या निकल के आता है। लोकल लोग थे इसमें शामिल या फिर बाहर के लोग थे? क्योंकि मस्जिद प्रशासन और आसपास के लोगों का कहना था कि वो लोग इसके हिस्सा नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आया? अभी कुछ लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और अभी जल्दी उसमें हम लोग एक्शन लेंगे। कुछ लोग हैं जो शायद बाहर के हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में कुछ परेशानियां भी आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इट वॉज काइंड ऑफ अ मिक्स ऑफ बोथ। दूसरी चीज, लोगों के हाथ में प्ले कार्ड था, मतलब लोग लेके आए थे, तो क्या पहले से तैयारी थी, पहले से ही कोई साजिश थी प्रदर्शन की या इससे आगे भी कुछ साजिश थी? आसपास की दुकानों को बंद करने की भी कोशिश थी? इस तरह की आवाज तो आई थी कि दुकानों को बंद किया जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। और जो जाहिर सी बात है, अगर प्लेकार्ड्स और सब लेकर आए हैं तो एक तैयारी तो रही ही होगी कि इस तरह का प्रदर्शन करना है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑल एंगल्स। कोई किसी संगठन का या किसी ग्रुप का कोई अभी तक इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया? किसी का हाथ रहा हो या कोई व्हाट्सएप ग्रुप मिली हो जो बनाया गया हो लोगों को जोड़ने के लिए? कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस चले हैं, उसके वो हमारे नॉलेज में हैं, उसको हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन में लेकर आ रहे हैं। किसी भी अभी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, अगर आता है तो आपको बताया जाएगा। एफआईआर में और धाराएं भी जुड़ सकती हैं? बिल्कुल जुड़ सकती हैं। कुछ गिरफ्तारी होने की संभावना है? जो हमारे पास एविडेंस सामने आएंगे उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। तो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस को इस पूरे मामले में साजिश से फिलहाल पुलिस इनकार नहीं कर रही है। अब लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी भी संभव है।